वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार। आज हम देखिए एम्स और जिपमर एग्जाम्स में जो मैथ के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो मैथ के क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं उनका यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो देखिए, जैसे कि एक सिक्के के ढेर में जो तीन अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का और 10 रखे गए हैं और उसमें 10 स्वर्ण के सिक्के और ऐड कर दिए जाते हैं तो उनका स्वर्ण और अस्वर्ण का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो कुल सिक्के बताने, कुल सिक्के कितने हैं। माना कि स्वर्ण सिक्के 3x और स्वर्ण, माना कि अस्वर्ण सिक्के 3x और स्वर्ण सिक्के x हो जाएंगे, कुल 4x हो जाएंगे। फिर क्या है कि 10 सिक्के और सोने के सिक्के 10 यानी कि स्वर्ण सिक्के और ऐड कर दिए जा रहे हैं, उस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा तो x = 2x 20 हो जाएगा। फिर देखिए 10 ऐड और किए जाते हैं 4x + 10, तो इस प्रकार से 90 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 700 की पुरस्कार राशि दी गई और प्रत्येक पुरुष पिछले पुरुष से राशि जो होती है वो 20 राशि कम होती है और न्यूनतम राशि आपको बतानी क्या है। तो इसमें इस तरीके से एक क्वेश्चन मांगेंगे x - 20 x - 40 फिर x - 60 80, इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन बनेंगे। और फिर ओवरऑल इक्वेशन सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 7x - 420, और इसको हम ऐड करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कि 1120 आएगा। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो x = 160 आ जाएगा। तो न्यूनतम मूल्य पूछा गया तो इसको हम इस इक्वेशन से यहाँ से इस तरीके से इसको 160 - 120 करेंगे तो 40 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब सेना की एक टुकड़ी में क्या होता है, 1000 लोगों के लिए 30 दिन का राशन होता है और उसमें 10 दिन बाद क्या होता है, 1000 व्यक्ति और नए आ जाते हैं तो कितने दिन वो राशन चलेगा ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या है कि 10 दिन बाद पूछा गया था, यानी 10 दिन बाद कितने दिन बचेंगे, 20 दिन बचेंगे। अब 20 दिन में 1000 व्यक्ति और आ जाते हैं तो यानी व्यक्ति की संख्या डबल हो जाती है तो जो राशन हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा जस्ट, यानी कि 10 दिन तक राशन बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की मोटरसाइकिल 10 दिन तक चलता है, उसका जो पेट्रोल पूरा है वो 10 दिन तक चलता है, और अगर क्या है अगर वह 25% और अधिक चलाने लगे तो कितने दिन तक उसका जो पेट्रोल है वो कितने दिन तक चलेगा। यानी कि पहले एक्स लीटर पेट्रोल होता है पूरा मान लेते हैं, एक दिन में क्या खपत होती है, x/10 लीटर खपत हो जाती है एक दिन में। 25% उपयोग करने पर एक दिन में खपत क्या हो जाएगी, 25% अधिक उपयोग करने पर क्या हो जाएगा, x/10 × 125%। तो इसको लिखेंगे कैसे, x/10 × 125/100, तो x/8 लीटर हो जाएगा, यानी कि 8 दिन चल पाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति एक लक्ष्य पर 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड में निशाना लगाता है तो बताना है कि एक घंटे में वे अपने लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे। ठीक है, यानी 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड में गोलियां दागते हैं तो एक घंटे में वे अपने लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे, तो इसका हम क्या लासा निकालेंगे, यानी 6, 7, 8, 9 और 12 का लासा निकालेंगे तो यहाँ पर 504 आ जाएगा। एक घंटे के साथ गोलियां दागने की आवृत्ति पूछी गई है तो 360 यानी कि 3600 सेकंड यानी कि घंटे में होते हैं, तो इसको हम 504 से डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7 बार। ठीक है, एक घंटा पूछा गया है तो एक घंटे को हम सेकंड में बदल देंगे। तो फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जितना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ साथ में पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दी फर्दर अपडेट्स एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर दी फर्दर अपडेट। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।